हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस काउंसलिंग के लास्ट राउंड की, कौन से स्टेट में क्या सिचुएशन चल रही है अभी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो ये महाराष्ट्र की DMER.org साइट है, उस पर जैसे ही हम उस साइट को ओपन करते हैं तो ऊपर ही ऊपर एक नोटिस आ रहा है। तो इस नोटिस को ओपन करते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह की डिटेल दी गई है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसमें 3 नवंबर से 5 नवंबर शाम 5 बजे तक। इसके बाद में पेमेंट ऑफ चालान से है इसमें 5/11 से लेके 12/11 तक। इसके बाद में ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग है 3 नवंबर से 5 नवंबर तक है। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ सिलेक्शन लिस्ट है 6 नवंबर को, और सिलेक्टेड कैंडिडेट को रिपोर्ट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में 7 से लेकर 10 नवंबर तक है। फिर डिस्प्ले कॉलेज वाइज वैकेंसी एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट की 11 नवंबर शाम 5 बजे तक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज ये है 12 नवंबर से 13 नवंबर तक है। इसके बाद में मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन है 13 नवंबर को है 8 बजे तक। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट रिपोर्ट है 14 नवंबर को 10 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके बाद में डिस्प्ले वैकेंसी है 14 को शाम 6 बजे तक। वेटिंग लिस्टिंग के लिए है 15 नवंबर 11 बजे तक। कट ऑफ है 15/11/2018 तक। तो इस प्रकार से एक शेड्यूल है महाराष्ट्र का। इसमें आप इलिजिबिलिटी एडमिशन प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं, और इसके बारे में जो परसेंटाइल अभी रिड्यूस किया है उसके बारे में देख सकते हैं इसमें। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, कितनी सीटें हैं उसमें, तो ये सारा सब कुछ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की साइट से, और आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो साइट है वो UAUexams.com है। तो आप उसकी साइट पे जाके स्पेशल राउंड के लिए नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें नोटिस में डेट दी गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन की 2 नवंबर से 4 नवंबर तक दी गई है इसमें। इसके बाद में मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी 5 नवंबर को। इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी 6 और 7 नवंबर को। इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग 8 को, और रिजल्ट डिक्लेयर होगा 9 नवंबर को। इसके बाद में ज्वाइनिंग होगी 10 से लेके 12 नवंबर 2018 तक। तो इसमें फीस के बारे में दिया है, जो न्यूली रजिस्टर्ड होंगे वो इसमें 2000 रुपये है फीस, और जो पुराने हैं वो 1000 रुपये। और सीट मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ च्वाइस फिलिंग के, जो डेट है उसमें सीट अवेलेबल का पता लग जाएगा कौन सी जगह कितनी सीटें हैं। तो ये जानकारी है उत्तराखंड के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट में अभी कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये 29 को मॉपअप राउंड था, इसके बाद में कितनी वैकेंट सीट हैं, कब इसका कोई स्पेशल राउंड होगा या नहीं होगा, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसके बारे में हम बात करें आगे बिहार के बारे में। तो बिहार में भी अभी कोई इस प्रकार का नोटिस नहीं है वेबसाइट पर, और न ही एमपी की वेबसाइट पर इस प्रकार का कोई नोटिस है। पंजाब की वेबसाइट पर 30 और 31 को जो फिजिकल राउंड की काउंसलिंग थी उसी का नोटिस है, इसके बाद अभी तक कोई नोटिस नहीं डाला गया है। इसके बाद में यूपी की वेबसाइट पर भी अभी कोई नोटिस नहीं है इसी प्रकार का। यूपी में तो सीटें काफ़ी खाली हैं। अभी यूपी के कोर्ट में केस भी हो रखा है वहाँ पर, तो 12 तारीख के बाद ही पता लगेगा नई डेट्स का, कब डेट आती हैं, नई डेट कब आती हैं। लेकिन ये 15 तारीख से पहले पहले काउंसलिंग होनी है। तो दोस्तों ये जानकारी थी सभी स्टेट में क्या सिचुएशन चल रही है अभी बीएमएस काउंसलिंग के बारे में। अगर हमें कोई नई अपडेट मिलेगी हम आप तक ज़रूर जानकारी लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।